मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। इसके अलावा यदि आपने अभी डीजे सर चैनल के महत्वपूर्ण वीडियोज को नहीं देखा है तो डीजे सर से जरूर देख लीजिए। और प्ले लिस्ट के अनुसार अगर डीजे सिस्टम का जब पेज खोलेंगे तो वहां पर आपको महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र कक्षा 12 के प्रश्न मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में देख लीजिए। अगर नहीं खोल पाते हैं आप उसको तो फिर आप हमारे नंबर से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से नंबर मिलेगा, उससे आप जुड़कर अपनी तैयारी पूरी करिए। तो चलिए डीजे सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए हम लोग का ये अर्थशास्त्र का जो चल रहा है, आप लोगों को एक महारिविजन के तौर पर देखा जाए तो पहला प्रश्न देखिए हम लोग क्या है क्वेश्चन। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस पर बल देता है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस पर बल देता है? तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जो होता है डिविशंस, वो मांग पर बल देता है। किस पर देता है बल? मांग पर ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का, पहला प्रश्न। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आप लोगों का। अल्पकाल में एक अधिकारी को मिलता है, अल्पकाल में देखा जाए डिविशंस तो एक अधिकारी को जो मिलता है वो असामान्य लाभ बोलते हैं उसको। लोग क्या बोलते हैं? असामान्य लाभ बोलते हैं ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या सेकेंड। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हम लोग का, एक एकाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत उस सीमा को तय करेगा जहां मांग की लोच क्या हो। तो एक एकाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत उस सीमा को तय करेगा जहां मांग की लोच हो। तो एक से अधिक जब हो जाती है तब डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम लोग को चीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये तीन प्रश्न महत्वपूर्ण हुए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जितने मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराया तो उन पूरे को देख कर जाइएगा, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ महत्वपूर्ण जो चीज है वो छूट जाए। चलिए बढ़ते हैं, मतलब चौथा जो प्रश्न है आपका, एकाधिकार होता है तो एकाधिकार क्या होता है? तो बहुफर्मों वाले उद्योग का जो होता है वो क्या होता है? बहुफर्मों वाले उद्योग का जो होता है वो एकाधिकार होता है। तो एकाधिकार किसका होता है? तो बहुफर्मों वाले उद्योग का होता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। कौन सा तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है? तो देखिए बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्वों में देखिए महत्वपूर्ण से देखा जाए तो जाहिर सी बात है शांति और सुरक्षा तो पहले चाहिए। बाजार देखिए बाजारों में भी शांति और सुरक्षा की बात होती है। शांति और सुरक्षा बन गई, अब ये नहीं पता चला कि बाजार कोई है और वहां पर कोई इनको आड़तियों को मार दी गोली तो उनको मार दिए, तो उनका किडनैप कर लिए, तो उनका सामान छीन लिए, तो उनको आग लगा दिए, उनका जला के मार दिए, रख दिए, रख कर। तो ऐसी चीजें नहीं देखना चाहिए, मिलना चाहिए। तो बाजार के विस्तार को ये प्रभावित करती है सभी चीजें। व्यापार के देखिए वैज्ञानिक ढंग वहां पर विकसित हो, नए नए चीजें जो वहां पर वो भी चीजें विकसित हो और सरकार की नीति भी काम करे उस पर, यानी उस पार्टिकुलर बाजार के लिए जो सरकार भी अपनी नीति बनाए कि हाँ मैं कैसे कैसे इनको और लाभ और कैसे कैसे इनको व्यवस्थाएं और दे सकता हूँ, जिससे कि जो फर्म के व्यक्ति रहेंगे या तो जो भी बिजनेस व्यापारी रहेंगे तो वो क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, प्रोत्साहित होंगे और वो लोग अपना सहयोग देंगे वो लोग भी, और सरकार से भी और सरकार के कामों से भी वो लोग खुश रहेंगे। छठवां देखिए हम लोग क्या क्या प्रश्न है। समय की दृष्टि से बाजार को बांटा गया है, तो समय की दृष्टि से डियर्स जो है बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया ना। तो चारों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फटाफट बताइए। एकदम कल आप लोगों को पेपर देने जाना है, नाटक एकदम नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। चलिए बढ़ते हैं लोग सातवें प्रश्न की ओर। कौन सी प्रतियोगिता व्यावहारिक जीवन में पाई जाती है? कौन सी प्रतियोगिता व्यावहारिक जीवन में पाई जाती है? तो डियर्स व्यावहारिक जीवन में अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो प्रतियोगिता देखने को मिलती है उसको हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं ना। तो अपूर्ण प्रतियोगिता जो होता है वो व्यावहारिक जीवन में पाई जाती है। तो कौन सी प्रतियोगिता व्यावहारिक जीवन में पाई जाती है? अपूर्ण प्रतियोगिता उसका नाम है, ठीक है। ये सातवां आपका प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों का। अन्य प्रश्नों का देखिए उत्तर के साथ जो सोल्यूशन है आप लोग का यहाँ पर। आठवां हम लोग का प्रश्न है, दूध का बाजार है। तो डिस्कशन अगर दूध के बाजार के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए दूध का बाजार जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो स्थानीय होता है ना, स्थानीय तौर पर ये दूध का बाजार होता है मार्केट आपका। नवा देखिए प्रश्न क्या है, प्रतिद्वंदी वस्तु होती है। तो प्रतिद्वंदी वस्तुओं में निजी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, निजी वस्तुएं जो होती हैं वो प्रतिद्वंदी वस्तुओं में शामिल की जाती है ना। ये आपका प्रश्न संख्या 9 है और इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को आपका। देखिए यहाँ पर 10वां जो प्रश्न दिया गया है, किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया? तो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत देने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, आपको सामने तो दिख रहा है। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत देने वाले जो अर्थशास्त्री डिस्कशंस हैं उनका नाम क्या है? रिकार्डो है ना, रिकार्डो। तो रिकार्डो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री जिन्होंने कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत इन्होंने प्रोवाइड कराया था कि अगर किसी का हम लोग तुलनात्मक लाभ अगर दिखाते हैं तो वह किस प्रकार।
बिजनेस में व्यापार में कैसे आपको यह लाभान्वित कर सकता है, ठीक है। तो किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया, तो रिकार्डो ने दिया हुआ था। ये 10वां प्रश्न आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक है, ठीक है। इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में यही बताइए कि रिकार्डो जो थे वो किस देश के अर्थशास्त्री हैं। चलिए अब बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। देखिए 11वां आपका प्रश्न क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए बात हो रही थी यहाँ पर रिकार्डो की, तो उन्हीं के नाम की मैंने यहाँ पर एक उनके द्वारा रचित एक बुक को भी मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन नाम की जो बुक है, इसके जो राइटर है वो कौन है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, थोड़ी उसके जो लेखक है वो रिकार्डो है ना। रिकार्डो के द्वारा ये जो बुक लिखी गई है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन। चूंकि जान ही रहे हैं कि सीधा सीधा आपको देखिए वो पूरा का पूरा बुक ही वही है पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन से रिलेटेड, तो अर्थशास्त्र में ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इसलिए देखिए मैंने इस प्रश्न को आप लोगों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया है और इम्पोर्टेंट प्रश्नों में मैंने इस प्रश्न को भी रखा हुआ है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां आपका देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर 12वां का प्रश्न है, पूर्ति के संकुचन का कारण क्या होता है। तो वस्तु की कीमत में वृद्धि, वस्तु की कीमत में जो वृद्धि होती है डिफरेंस, वही क्या होता है, पूर्ति के संकुचन का कारण बनती है ना। ये आपका 12वां प्रश्न हो जाएगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि यदि हम लोग करते हैं, और जाहिर सी बात है वस्तु की कीमत में तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता ही रहता है। 13वां हम लोग का प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं, पूर्ति के विस्तार का कारण होता है। तो पूर्ति के विस्तार कारण क्या होता है, वस्तु का अधिक उत्पादन। तो वस्तु का अगर उत्पादन अधिक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है तो पूर्ति करने का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। पता चला कि आप चीजों का बड़े पैमाने पर पैदावार तो कर लिए, लेकिन अब उसको खपा ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ हम उसको खर्च करें, कहाँ पर हम उसको किस मार्केट में हम इन्वेस्ट करें उसको। तो पूर्ति के विस्तार का कारण जो होता है वस्तु का अधिक उत्पादन होता है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों में। अब प्रश्न संख्या आपका जो यहाँ पर 14 दिया गया है, प्रश्न संख्या 14 को पूर्ति के विस्तार में क्या देखने को मिलता है। तो पूर्ति के विस्तार में डिस्टेंस होता है उसी पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। पूर्ति के विस्तार में अगर देखा जाए जो वक्र होता है तो क्या होता है, उसी पूर्ति पर नीचे से ऊपर की ओर जो होता है ये वक्र दिखाई देता है, या इस प्रकार से ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न संख्या कौन था, 14 था। तो डिस्टेंस ये आपका 14वां प्रश्न ही था, इसमें बस 14 ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो डियर सेंस ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 14 प्रश्न, जो कि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो एक भी प्रश्नों को इन प्रश्नों को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है। और जो भी लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी और जो बहुविकल्पी के और महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण सीरीज आप लोग को प्रोवाइड करा रखे हैं मेडिटेशन, तो उसको प्राप्त कर सकते हैं आसानी से आप। तो कुछ भी नहीं करना, आपको डीजे चैनल का पेज खोलेंगे तो उस पर जाइए, वहां से आपको वो मिल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जब देखेंगे तो उसमें स्क्रॉल करते जाइए थोड़ा सा, तो वहां पर दिखेगा आपको कक्षा 12 अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण, उसको जाइए तुरंत ओपन करके उसे पूरा देखिए जरूर। 4 से 5-6 घंटे का पूरा पूरा प्लेलिस्ट एडिशन, लेकिन आपके लिए बहुत लाभान्वित करने वाला है आप लोग को, उसे जरूर देखिए। और मेरी हेल्प के रूप में आप कुछ करना चाहते हैं तो डियर सेंस इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, इसलिए डियर सेंस जो भी आप लोग को चीजें मिलती हैं व्यवस्थाएं मिलती हैं तो उसको आप लोग शेयर जरूर करिए। ये मेरा फीस भी के रूप में भी इतना काम जरूर करिए आप लोग। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये तो आप लोग के लिए कितना ज्यादा इस समय लाभान्वित करने वाला है ये तो आप लोग भी अच्छे से जान रहे हैं। और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेशर है वो आप तक नियमित रूप से आसानी से मिल जाए। तो जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को लेकिन आप कंटिन्यूस करिए, बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है, जम कर लगिए, और बस 1 हफ्ते का आप लोग का और परिश्रम है।